हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर दाल और तुरई का एकदम यूनिक रेसिपी, जो कि आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके लिए एक प्याज, 4 लहसुन की कलियाँ, 1 टमाटर और 2 तुरई को काट के ले लिया, और ये आधा कप के लगभग मसूर दाल, इसको 10-15 मिनट भिगो लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें मैं डाली ये मसूर का दाल, जिसको मैं भिगो के रखी थी, और ये गया तुरई। इसको हम लोग झींगा भी बोलते हैं, झींगा घीरा। और उसके बाद ये 1 टमाटर जो काट के रखे थे, और प्याज, 4-5 हरा मिर्च, और जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उतना पानी डालें। मैं आधा कप दाल ली तो 3 कप इसमें मैं पानी डाल लिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डाल के इसको मिला दिए, और मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। तो चलिए ढक्कन लगा के, और 3 सीटी आने तक लगने देंगे, और फिर उसके बाद इसको अपने आप खुलने देंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो देख सकते हैं 1 सीटी दे चुका है, और ये 3 सीटी हो चुका है। अब मैं कुकर खोल के देखूंगी कि मेरा दाल कैसा बना है। तो देखिए कितना परफेक्ट दाल बना है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत यूनिक, इजी और बहुत टेस्टी बनता है ये दाल। हेल्दी एवं टेस्टी है, बच्चे भी बड़े प्यार से खाते हैं। तो चलिए इसमें मैं अब तड़का लगाती हूँ। ले लिया तड़का फैन, और इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं ये हरा मिर्च 2 ली थी, और 3-4 लहसुन की कलियाँ काट के ले लिए थे। ये पक जाएगा तब इसमें मैं डालूँगी ये कड़ी पत्ता डाली, और ये जीरा 1 चुटकी के बराबर जीरा, और आधा तेज पत्ता ली, और थोड़ी सी राय या सरसों भी, और ये 1 पिंच के बराबर ही, और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिए। ये पक जाएगा तब मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। तो तड़का पक चुका है, अब मैं ये दाल में देखिए कितना परफेक्ट दाल बना है। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो देखिए दाल तैयार है, आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी दाल बनता है, बहुत इजीली बन जाता है।